हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? सब घर पर हैं, सुरक्षित हैं? तो बच्चों, आज हम साइंस में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि हमारे चारों तरफ हम कितनी सारी चीजें देखते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, घर में हमारा कितना सामान है। क्या सबके एक जैसे फीचर होते हैं? क्या सबकी एक जैसी जरूरतें होती हैं? नहीं होती ना। जो चीज आपके घर में मेज, कुर्सी, टेबल जब आप छोटे थे तभी भी वैसी थी, और आज आप बड़े हो गए हैं तो अभी भी वैसी है। क्या उनकी ग्रोथ हुई? क्या उनकी उनको किसी चीज की जरूरत पड़ी, फूड की, वाटर की? नहीं। लेकिन आप लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। प्लांट्स और एनिमल्स को कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग से अलग करते हैं। वो फीचर्स मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहला फीचर हमारा, ऑर्गेनिज्म नीड फूड। नीड फूड, सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन। क्यों चाहिए? क्या जरूरत है खाना खाने की? आप मैंने फूड के उसमें बताया था आपको, फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी प्राप्त हो सके और उसको हम अपने काम में सुचारू रूप से उसका यूज कर सके। इस तरह प्लांट्स भी सन से सनलाइट लेते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं। फूड की जरूरत होती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की जरूरत नहीं होती है। ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, आपने देखा है जब एक बच्चा न्यू बोर्न बेबी होता है वो कितना छोटा होता है, लेकिन समय के अनुसार वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और छोटे से थोड़ा बच्चा, फिर थोड़ा टीनेजर में, फिर अडल्ट, फिर ओल्ड हो जाता है। तो इसी तरह जो प्लांट्स होता है, हम सीड से ग्रो करते हैं और धीरे धीरे वो छोटा सा बेबी प्लांट, फिर प्लांट, और फिर बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। उसको ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होती है। जैसे जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा है, उसके बाद इसकी ग्रोथ हुई, ये हो गया, इसकी हाइट बढ़ी और बाद में ये एक अडल्ट बन गया। देखिए बेबी, फिर आपने बैठना सीखा, घुड़लिए चलना सीखा, फिर आप अपने पैरों पे चलने सीख गए, और इस तरह से आपकी ग्रोथ हो गई। दूसरा एग्जाम्पल, पहले एग्स देती है, एग्स को जब वो सेकती है, जब वो पक जाते हैं, वो फट जाते हैं, उनमें से क्या निकलता है? चूजा। क्या निकलता है? चूजा। फिर वो छोटा बनता है, फिर बाद में वो अडल्ट में चेंज होता है। आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि इनकी एक सर्टन टाइम तक ग्रोथ होती है। इसी तरह भी प्लांट्स में ग्रोथ होती है। जब हम सीड ग्रो करते हैं तो उसमें से छोटा बेबी प्लांट निकलता है, फिर थोड़ा धीरे धीरे उसकी देख रेख हम करते हैं तो बेबी प्लांट से थोड़ा बड़ा हो जाता है और बाद में एक पूरा ट्री बन जाता है। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड नंबर पे आता है मैं, ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। रेस्पायर का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन, सांस लेना। क्या मतलब होता है इसका? सांस लेना। आपको पता है हम ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में रेस्पायर करने का अलग अलग तरीका है। जैसे लीफ में रेस्पिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन बींग्स लेते हैं लंग से, अर्थवर्म लेता है मॉइस्ट स्किन से, फिश लेती है गिल से, और सभी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रेस्पिरेशन ऑर्गेन होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। ये मैंने आपको कुछ के बताए हैं, इनके अलग अलग तरीके होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं।
और सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा है आपका नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। जो हम खाना खाते हैं क्या हमें उसकी पूरी जरूरत होती है? क्या हम सारा खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं? नो, कुछ खाना हमारा बॉडी अब्जॉर्ब करता है और कुछ अवशेष जो बच जाता है वो एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा आप कहोगे मैम प्लांट्स क्या भी एक्सक्रीटर है? प्लांट्स में एक एक्सक्रीशन की जगह है एक नया टर्म होता है, सेम वैसे ही होता है एक्सक्रीशन का, उसको बोलते हैं हम सिक्रेशन। सिक्रेशन ये प्लांट्स में होता है, आपने देखा होगा, अब तो यहाँ तो नहीं गांव में आपने कभी देखा होगा, जो किकर वगैरह प्लांट होते हैं उन पे से क्या निकलता है? गोंद, गम, जो पुराने समय हम उनको यूज करते थे, इसको बोलते हैं हम सिक्रेशन। क्या बोलते हैं? सिक्रेशन। नेक्स्ट फीचर है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय इट्स ओन सेल्फ। अपने जैसे बच्चे पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, कुछ एनिमल्स बच्चे पैदा करके रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ अंडे देते हैं, लेकिन उनके बेबी उनके जैसे ही होता है। बिल्ली होता है उसका बेबी बिल्ली के जैसा, ह्यूमन बींग्स का ह्यूमन जैसा, डॉग का डॉग के जैसा। और वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? ताकि जो उनकी स्पीसीज है वो कंटिन्यू रहे। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और वो लुप्त हो जाएंगे। अगला है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है जाना। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड इज कॉल्ड मूवमेंट, इज कॉल्ड मूवमेंट। आप कहोगे मैम चलो ह्यूमन बींग्स तो मूवमेंट करते हैं, हम भी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, पापा भी जाते हैं काम करने के लिए, क्या प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं? यस, कभी आपने सनफ्लावर देखा है? देखा है? नहीं देखा तो देख लेना। सनफ्लावर जब सन निकलता है तो अपना फेस सन की तरफ कर लेता है, और जब शाम को जब सन छिप जाता है तो उसके वो भी बंद हो जाता है, और नेक्स्ट डे जब सन खिलता है, सूरज निकलता है, तो वो भी खिल जाता है और उसका फेस सन की तरफ होता है। तो बच्चों सनफ्लावर क्या होता है वो मैंने बोल दिया कि बंद हो जाता है, वो बंद नहीं होता। जिस डायरेक्शन में सन जाता है, ईस्ट में है तो ईस्ट की तरफ उसका फेस हो जाता है, वेस्ट में तो वेस्ट की तरफ, जिधर सन जाता है, जिधर सन की डायरेक्शन जाती है उसी तरफ सनफ्लावर की डायरेक्शन जाती है। बस ये इतना फर्क है कि प्लांट्स कुछ लिमिटेड मूवमेंट शो करते हैं और एनिमल्स में मूवमेंट ज्यादा होती है। तो बच्चों ये फीचर्स आपने पढ़े लिविंग ऑर्गेनिज्म के और प्लांट्स के और एनिमल्स के बारे में, और नॉन लिविंग थिंग में ये फीचर्स नहीं होते। एक मेन फीचर्स क्या है, प्लांट्स की भी एक सर्टन लिमिट के बाद क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाते हैं, और ह्यूमन बींग्स में भी एक सर्टन एज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। लास्ट फीचर्स है डेथ, जो धरती पर आया है उसका एंड होगा। तो बच्चों आपको ये फीचर्स समझ आ गए होंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।